आज स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान वह ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भी पहुंचे, जहां पर भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। वहीं सीएम धामी स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले कचहरी से शहीद स्मारक स्थल पहुंचे। यहां पर उन्होंने शहीदों को नमन किया। इसके बाद सीएम धामी देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड में शामिल हुए। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रैतिक परेड की सलामी ली। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। हम इसे 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य को 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणीय राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प का मूल मंत्र अपनाया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों राज्य आंदोलनकारियों को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और भारत माता की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर जवानों को भी उत्तराखंड की जनता की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। आज के दिन मैं पुलिस के उन शहीद जवानों अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने प्रदेश एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भाइयों बहनों, प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर हमारे प्रदेश की परीक्षाएं लेती रहती हैं। इन भीषण आपदाओं में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं।